नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष बंसल। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल मिस्टर ग्रोथ में। फ्रेंड्स, अक्सर आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स के मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि सर, जो अमेज़न के जैसे कि लिंक दिए होते हैं, रेफर लिंक दिए होते हैं किसी भी यूट्यूबर ने या फिर मैंने, तो उसका आखिर कितनी इनकम यूट्यूबर्स को होती है या फिर कितना कमीशन उसमें से बचता है। तो यही आज मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, देखिए इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेकर 10% तक होती है। यानी कि जो भी आप मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको डायरेक्ट लिंक दे रहे हैं परचेज करने के लिए, और आपके चैनल का कोई भी सब्सक्राइबर या फिर कोई भी न्यू यूजर उस प्रोडक्ट को सर्च करता है और उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है रिव्यू में, और वो आपके लिंक से परचेज करता है। यानी कि जो भी यूट्यूबर स्पेशली अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाते हैं या फिर कुछ भी मान लीजिए रिव्यू करते हैं, मैंने भी कुछ प्रोडक्ट के जैसे रिव्यू किए हुए हैं कुछ प्रोडक्ट के। मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूं वैसे ऐसी, क्योंकि मैं मोस्टली उसी प्रोडक्ट की बनाता हूं वीडियो जो मैं खुद के यूज करने के लिए बनाता हूं, मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो स्पेशल अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाते हैं या फिर स्पेशल प्रोडक्ट के रिव्यू करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि आपको जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसमें 0 से लेकर 10% तक का कमीशन मिलता है, और ये प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो उस पर कितने परसेंट कमीशन अवेलेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही उसमें से कमीशन मिलता है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स इसके बारे में जानकारी लेना चाहते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बहुत कम प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज बनाए हुए हैं या फिर अनबॉक्सिंग की वीडियो की हुई हैं, लेकिन जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आई थिंक मैंने 10 या 12 प्रोडक्ट्स की ऐसी वीडियो बनाई होंगी, उनसे भी मंथली लगभग 3 से लेकर 4 लाख तक लोग प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स ऐसा होता है कि मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट का रिव्यू किया, उसका मैंने रेफरल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वो यूजर जरूरी नहीं कि उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा तभी आपको कोई कमीशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स उसमें अगर उस लिंक पर क्लिक करने के बाद अगर यूजर अमेज़न से कुछ भी परचेज करता है, तो उसका जो मान लीजिए जितने परसेंट भी उस पर कमीशन है, तो वो उस यूट्यूबर को कह लीजिए या फिर जिसका भी वो रेफरल लिंक है उसके अकाउंट में वो भेज दिया जाता है। और जो इसके पैसे आने के लिमिट है वो है 2 मंथ, यानी कि जैसे जो भी सामान आज परचेज हुआ उसका जो भी जितने परसेंट कमीशन बचा वो आफ्टर 2 मंथ सीधा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में अमेज़न द्वारा या फिर जो भी साइट के रेफरल लिंक लगे होते हैं तो उसके द्वारा आपके पास भिजवा दिया जाता है। फ्रेंड्स, आप में से कई दोस्तों के कई बार कमेंट्स भी आते हैं कि सर, मैंने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन अपने लिए परचेज करना था तो मैंने आपके रेफरल लिंक से जाकर अपने लिए वो प्रोडक्ट परचेज किया। क्योंकि फ्रेंड्स जरूरी नहीं होता कि हर प्रोडक्ट की वीडियो बनाई हो उस यूट्यूबर ने, लेकिन जिसका जो भी फेवरेट यूट्यूबर होता है तो वो उसके स्पेशल लिंक से जाकर वो प्रोडक्ट परचेज करता है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, आपको कोई भी लॉस नहीं होता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 200 रुपीज का है और आप वो अपने लिए मंगवाना चाहते हो, तो आप चाहे डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को मंगवा लीजिए या फिर आप अपने फेवरेट यूट्यूबर के लिंक से किसी भी रेफरल लिंक से जाकर उस प्रोडक्ट को मंगवाते हैं, तो उस यूट्यूबर को उसका कुछ ना कुछ जैसे कोई 1% मान लीजिए, 4% या 10% मैक्सिमम तक होता है, तो कमीशन उसके अकाउंट में उनको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गई होगी कि आखिर ये एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है, जिसमें कि किसी भी यूट्यूबर को क्या बेनिफिट वगैरह होता है या फिर कितने परसेंट कमीशन वगैरह इसमें बचता है, और आपके सारे क्वेश्चन इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो जानकारी के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जब भी कोई नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ तो वो आपके मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।